हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शांतिनिकेतन पब्लिक स्कूल। माय सेल्फ मिस्टर एटी त्यागी, आई एम कमिंग हियर टू टीच यू द थर्ड पोएम ऑफ योर इंग्लिश शॉर्टफिल्म बुक एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस पोएम देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द रेन एंड द पोएम। इस पोएम में क्या है माय डियर स्टूडेंट, जो कवि का बारिश से क्या है एक कन्वर्सेशन है, उसका इसमें क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। और जो पोएट है वो बताना चाहता है, ही वांट्स टू टेल यू दैट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द अर्थ एज लाइक माय पोएम्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो जो कवि है वो बताना चाहता है, जैसे देखिए रेन बारिश है वो इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से जो मेरी पोएट्री है या मेरी जो कविताएं हैं वो भी ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, वो भी अपना एक रोल रखती है। तो और ये जो वॉल्ट विटमैन है ये क्या है, एक अमेरिकन पोएट है और इन्होंने बड़ा सुंदर डिस्क्राइबेशन किया है, बड़ा नाइस ब्यूटीफुल डिस्क्राइबेशन किया है किसका, इस पोएम का। आइए देखते हैं लेटर सीधा पोएम। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सॉ। एंड हु आर्ट, आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू। हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, तुम कौन हो, सेड आई, मैंने पूछा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग सॉवर। सॉवर मीन्स जो बारिश की जो बौछार होती है उनके लिए सॉवर का यूज हुआ है। तो जो कवि है वो पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, सेड आई, मैंने पूछा, जो पोएट है वॉल्ट विटमैन ने उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, टू द सॉफ्ट फॉलिंग सॉवर, जो बहुत ही प्यारी सी गिर रही थी, सोवर मीन्स पहुंचा रहे, मीन्स पोएट कन्वर्सेशन कर रहा है किससे, रेन से, पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंथ टू टेल, विच स्ट्रेंथ टू टेल गेव मी एन आंसर एज यर ट्रांसलेटेड। देखिए विच मीन्स जो स्ट्रेंथ, मुझे विचित्र लगा, टू टेल मीन्स बताना, गेव मी एन आंसर और जो मुझे उत्तर मिला, जो मैंने उसने बारिश से कुछ क्वेश्चन किया तो उसके बदले में मुझे उसने कुछ आंसर दिया, तो वो क्या कह रहा है कभी कि मुझे बताना क्या लग रहा है, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, एज ए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जिसका मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अब क्या है, कभी ने जो क्वेश्चन पूछा था रेन से, वो क्या करेगा उसका आंसर, बारिश है उसकी, बारिश ने क्या आंसर दिया। देखिए I am the poem of the earth, मैं क्या हूँ, I am the poem of the earth, मैं धरती की कविता हूँ। I am the poem of the earth, मैं धरती की कविता हूँ, said the voice of the rain, इसने कहा, जो बारिश की आवाज है, voice में आवाज, the rain में बारिश की आवाज में जवाब दिया, मैं क्या हूँ, I am the poem of the earth, मैं धरती की कविता हूँ। Eternal, eternal means never ending, eternal means never ending, I rise, impenetrable out, impenetrable means invisible, which cannot be tell, which cannot be described, impenetrable out of the land and the bottomless sea, to upward to heaven, whence vaguely form altogether can be at the same। अब देखिए एटर्नल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, आई राइज मेरा जन्म होता है। अब क्या है, देखिए जो रेन है वो डिस्क्राइब कर रही है अपने किसका, वर्क प्लेस का, कि मेरा जो वर्क प्लेस है वो क्या है, अर्थ है। एटर्नल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं धरती से एंड द बॉटमलेस सी, देखिए जो सी है वो क्या है, उसका जो सेप है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है, तो बॉटम प्लेस है, उसका कोई बॉटम नहीं है, इसलिए जो रेन का वर्क प्लेस क्या हुआ, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटम प्लेस सी,
मैं वहां से क्या होती हूँ, मैं वहां से जन्म लेती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और कहाँ जाती हूँ, हेवन की ओर जाती हूँ। वेन्स वेगली फॉर्म, वेगली मीन्स अनक्लियर, और यहां से अनक्लियर फॉर्म में ऑल टुगेदर चेंज, हर बदल ऑल टुगेदर हमेशा बदलती रहती हूँ, एंड एट द सेम, और फिर भी मैं हमेशा क्या रहती हूँ, एट द सेम, एक समान दिखाई देती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे देखिए रेन होती है वो अर्थ से क्या होती है, इवोपरेट होती है, जो वाटर है वो क्या होता है, इवोपरेट होता है, और फिर कहाँ जाता है, वो ऊपर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर कंडेंस होके, फिर वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे आता है, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, साइंस में आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ते होंगे, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो अर्थ से एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होके वो क्या होता है, फिर कंडेंस होता है, कंडेंस होकर ड्रॉपलेट की फॉर्म में वो क्या आता है, वापस जमीन में आ जाता है। तो उसी बात को पॉइंट यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि अक्वायर्ड टू हेवन, वाटर हुआ, वाटर क्या हुआ, एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेट होके क्या हुआ, वेन्स वेगली फॉर्म, और एक स्पष्ट क्या होता है, बादल बन जाते हैं, और फिर ड्रॉपलेट की फॉर्म में फिर वो क्या होता है, फिर वापस वो नीचे आ जाता है। और ये प्रक्रिया है, ये क्या चलती रहती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, नीचे पानी आना, फिर वाटर जो है इवोपरेट होकर ऊपर जाना, बादल बन जाना, और बादलों का बरस जाना, फिर वो नीचे आ जाता है। तो यही पोएम है कि वो आर्ट वो तुम कौन हो, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, जो कवि है उसने पूछा बारिश की बूंदों से, और विच स्टैंड टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट जिसे बता रहा जो पोइट है उसे थोड़ा विचित्र लगा, और उसका वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, और उन्होंने ट्रांसलेट क्या किया, और देखिए रेन ने क्या रिप्लाई किया है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ, धरती की कविता हूँ, सेट द वॉइस ऑफ द रेन, उस बारिश ने कहा। एटर्नल आईलाइज नेवर एंडिंग, एटर्नल मींस नेवर एंडिंग आईलाइज, मैं अपने वर्क प्लेस से उठती हूँ, इम्पेबल मींस इनविजिबल विच कैन नॉट डिस्क्राइब, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, इस धरती से और समुद्र से क्या है, मैं एक अनक्लियर फॉर्म में उठती हूँ, जिसका जिसके बारे में कोई पता नहीं सकता। अपवर्ड टू हेवन, और फिर कहाँ जाती हूँ, ऊपर की ओर जाती हूँ, वेंस फ्रॉम दे, वहाँ से स्पष्ट रूप में फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज, और हमेशा बदलती रहती हूँ, एंड एट द सेम, और फिर भी मैं हमेशा एक जैसा समान दिखाई देती हूँ। अभी नेक्स्ट सेक्शन जब मैं आपको क्लियर कराता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए जो पॉइंट है वो क्या डिस्क्राइब करती है कि आई डिसाइड टू लिव द ड्राफ्ट्स एटॉमिक डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीस ओनली लेटेंट अनबोर्न एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओवर ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। अब देखिए जो रेन है वो क्या बताती है, रेन ने क्या रिप्लाई दिया है, आई डिसेंड टू लिव, मैं धरती पे आती हूँ टू लिव, दिस पास करने के लिए, धोने के लिए, क्या द ड्राउट, जहाँ पे अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो मेरी नीड होती है एटॉमिक एंड डस्ट लेयर, एटॉमिक मींस स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर। और जो देखिए हमारी अर्थ में क्या है, स्मार्ट पार्टिकल होती है, डस्ट लेयर होती है, उन्हें क्या करती है, वो वॉश करती है ऑफ द ग्लोब, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या है, ये डस्ट की लेयर है या स्मार्ट पार्टिकल है, वो क्या करती है, उन्हें वॉश करती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीट्स ओनली लेटेड एंड अनबोर्न, लेटेड मींस हिडन। और देखिए And all that in them, और ये सभी without me, मेरे बिना, were seeds, जो बीज है, only latent, वो क्या है, छिपे हुए है, unground, वो ग्रो नहीं करेंगे। देखिए जब फार्मर खेती करते हैं तो
जब खेती बोदी जाती है, जैसे कि रेनी सीजन है, बरसात का टाइम है, जैसे कि तो जैसे जब खेती की जाती है तो बीजों को आवश्यकता पड़ती है किसकी, रेन की। अगर रेन नहीं होती है तो क्या होता है, फसल अच्छी नहीं होती, जो बीज है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो वही पॉइंट बताना चाहता है कि कहाँ पे जो रेन की नीड पड़ती है, एंड ऑल दैट इन द विदाउट मींस वन सीड, जो सीड्स हैं ओनली लेटेंट वो छिपे रहते हैं अनग्रोन, वो ग्रो नहीं करते, मीन्स जब वर्षा होती है तभी वो ग्रो करती है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और इसलिए हमेशा डे बाई डे एंड नाइट, इसलिए दिन और रात को आई गिव बैक लैब टू माई ओवर ऑरिजिन। और देखिए आई गिव बैक लैब, मैं उन्हें क्या देती हूँ, बैक लैब, उन्हें एक नया जीवन देती हूँ, जीवन के रूप में, जैसे कि वाटर देती हूँ, इन्वायरमेंट देती हूँ जो वर्षा है। और देखिए जब वर्षा हो जाती है तो बहुत फील भी करते हैं, हर जगह देखिए हरियाली, नीट एंड क्लीन सब कुछ दिखाई देता है। तो वही चीज कह रही थी, आई बैक गिव बैक लाइफ, मैं उन्हें क्या देती हूँ, जीवन देती हूँ टू माय ओवन ऑरिजिन, कहाँ से, अपने वर्क पैलेस से। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और क्या करती हूँ, सब चीज को प्योर कर देती हूँ एंड ब्यूटीफाई, और सुंदर कर देती हूँ। जब रेनी सीजन में जब बरसात हो जाती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि देखिए जो रोड है या मकान है सब कुछ एकदम क्लीन हो जाते हैं, सब अच्छे दिखने लगते हैं। अब देखिए कोई ने कंपेरिजन किया है कि देखिए जैसे कि फोर सॉन्ग इज सीन फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे कि कोई देखिए संगीत होता है, इस सीन मिस आता है कहाँ से, अपने बर्थ प्लेस से, जिससे एक जो सिंगर होता है उसके हार्ट से कोई क्या निकला, सॉन्ग निकला, उसने गीत गाया। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रैग और अरैग, रैग और अरैग मिस लाइक एंड अनलाइक डली विद लव रिटर्न्स। तो अब क्या बताता है देखिए कभी कि जैसे देखिए कोई संगीत होता है, किसी गायक के हृदय से संगीत निकला, आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग इधर उधर गया, लोगों ने संगीत को सुना। तो देखिए संगीत क्या है कि संगीत पूरी ऑल ओवर द जो ग्लोब है उसमें क्या करता है, वांडरिंग करता है। संगीत मोस्टली सब पसंद करते हैं। तो संगीत गाया, किसी गायक ने कोई गीत गाया तो वो क्या हुआ, वो चारों तरफ घूमा, रैक और अनरैक, किसी ने पसंद किया या नहीं किया, डली विद लव रिटर्न्स, और प्रेम के साथ वो लौट आता है उसका संगीत। मीन्स कोई किसी ने केयर की उसकी संगीत की या नहीं की, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गायक है वो अपने गीत को गाता रहता है, उसी प्रकार से क्या है, ये रेन है, उस रेन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे पसंद करे या नहीं करे, वो भी कंटिन्यू अपने वर्क को करती रहती है। जैसे उसका वर्क है वो जान विदाउट रेन के, मतलब सीड ग्रो सीड्स है वो ग्रो कर पाएंगे, और जो डस्ट लेयर है, पार्टिकल है, सैंड है, वो भी क्या है, वो मतलब सारी जगह थोड़ा गंदगी ज़्यादा बन जाएगी, तो बारिश क्या करती है, ये सबको प्योर करती है एंड ब्यूटीफाई, हमारे जो अर्थ है, अर्थ की स्पेस सरफेस है उसे क्या बनाती है, ब्यूटीफाई बनाती है। तो ये वाइल्ड ट्रीटमेंट की एक पोएम थी, द वॉइस ऑफ द रेन, आपकी इंग्लिश ऑनबिल बुक की। इसी के साथ ये पोएम क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल, मैं ऐसा करता हूँ आपने इस पोएम को समझा हुआ, एंड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग पोएम टू द ह्यूमन बींग, और ये ह्यूमन बींग के लिए क्या है, बड़ी इंस्पायरिंग पोएम है। थैंक यू।